हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पाकशाला में। आज की रेसिपी है खटमिठी, जिसे हम कच्चे आमों से बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत होगी 4 आम, से आप छीन लेना और इस तरह से आप कद्दूकस कर लेना, और 1 कटोरी चीनी। तो चलिए पहले हम एक बॉल लेंगे और इसमें ये कद्दूकस किया हुआ आम को डालेंगे। फिर ये 1 कटोरी चीनी इसमें ऐड करेंगे। इसको मिलाकर हमें आधा घंटा तक इसे छोड़ देना है, तब अच्छे तरीके से ये पक जाएंगे। इसको ढक के हमें आधे घंटे तक इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसे पकाएंगे। कि मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, 5 मिनट पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाया था, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं तेल डालूंगी। ये देखिए आधे घंटे हो गए थे और देखिए इसे कितना सारा पानी छूट गया है। एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक चम्मच सौंफ डालेंगे, आधी चम्मच मेथी पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच सब्जी मसाला और ये 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। अब इसमें मैं ये आम को डालूंगी। छोटी चम्मच से आधी 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। इसे मीडियम लो पे पकाएंगे, लो से मीडियम में इसे पकाना है। दस मिनट तक इसे हम पकाएंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गया है, ये पक गया है। अगर आपको लगे कि आपके पास इसमें पानी कम गया है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और फिर इसे पका सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं लगता है चीनी रखने पर। लो मीडियम में ही पकाएं तो अच्छे तरीके से ही पक जाएंगे। एक मिनट और हम पका लेते हैं इसे। देख कितना सुंदर लग रहा है।
देखिए पक गया, अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए ये खटमिट्टी या चटनी कहें ये आपका तैयार है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में इतना ही टेस्टी लगता है। तो बनाएं, खाएं, खिलाएं। और अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।